Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अरे मेरे भाई को रंडवा कर गई। ड्रिप चाहिए ऊपर, नॉर्मल स्लाइम भिजवा दें, खत्म हो गई। अच्छा मैं ले लूँ। शकुन, फिंगरप्रिंट से तो पकड़ ही जा सकता है, मुद्दा ही गायब है। शकुन, चलें? हाँ, इतनी देर लगा दो। से इंतजार कर रहे हैं भाई, मैं तो दो चार काम भी निपटा चुका। आओ चले। हाँ चले। मैं जान सकती हूँ क्यों आए हो यहाँ? मम्मी मर गई मेहताब। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सिर्फ कह नहीं रहा हूं, सह भी रहा हूं। मैं कैसे नहीं जानूंगा?
रुको, मैं तुमसे बात करती हूँ। सुनो इफ़त, एक इमरजेंसी आ गई, तुम कुछ देर के लिए मेरे पेशेंट्स को देख लो प्लीज। यहाँ भी सो रही हूँ, वहां भी सो जाऊंगी, जाओ तुम। ठीक है, वैसे भी कोई इमरजेंसी केस नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी आती है ना तो मैं अपने क्वार्टर में हूँ, किसी को भिजवा कर बुलवा लेना। यानी रक्षिंदा कामयाब हो, वो कुछ दिखा दे जो वो हर रोज डॉक्टर साहब को सुनाया करती थी। मैं तो नहीं मानती। और तुम जहांगीर, तुम भी उन लोगों के साथ मिल गए, तुम तो अपनी मां को जानते थे, तुमने कुछ भी नहीं किया। गैरतमंद औरत ने खुदकुशी कर ली, तो समझ में नहीं आ रहा इन इल्जामात के साथ कैसे गुजरे होंगे उसके दिन। और तुम जाओगे, सोच भी कैसे सकते हैं, तुम्हारी फूफियों को उसका सुख अच्छा नहीं लगा, जहर खोल दिया उसकी जिंदगी में। अच्छा हुआ जो उसने खुद को जलाकर मार डाला, तुम्हारी नजर से गिरकर क्या हालत हुई होगी उसकी। तुम तो उसकी वाहिद मोहब्बत, जीने के लिए तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं बची। आपने जिन जिन छह पेशेंट को इंजेक्शन लगाए थे वो छह के छह मर गए हैं। ये मेरा दीवानापन, मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो ऐसे करेंगी। अगर मुझे हल्का सा भी अंदाजा होता कभी नजरें ना मोड़ता उनसे। तो अब मेरे पास क्या लेने आए हो, जाओ अपने बाप की शादी की तैयारियां करो, खुशियां मनाओ। वो बदनसीब अतिया खाक हो गई, सचमुच खाक हो गई, खाक होकर तुम लोगों के लिए मैदान खाली छोड़ के मजे से अपनी जिंदगी गुजारो। जो गैर जरूरी थी वो अपने वजूद के साथ हट गई तुम दोनों के बीच में से। मेहता, आपके घर में पेट्रोल है? मुझे पेट्रोल की बू आ रही है। नहीं, पछतावे की बू है।
जो घुल मिल के तुम्हारे दिल में बस गई, ये वो तुम्हारे दिल से आ रही है जागे, अंदर से। दाय मेहताब, जब अम्मी मुझसे आखिरी बार मिली थी, उन्होंने मुझसे कहा कि अब्बू ने उनसे कुछ एतराफ किया था, लेकिन जब मैंने अब्बा से पूछा तो उन्होंने कहा कि अम्मी उनसे सिर्फ माफी मांगने आई थी। बात से मैं क्या समझूं? इस बात को तुम अपने बाप का झूठ समझो। हो ही नहीं सकता, उन्होंने इतराफ किया होगा कि उन्होंने ये इल्जाम जानबूझ के लगाया है ताकि अतिया कम से कम शोर करे। लेकिन अब्बू ऐसे नहीं कर सकते, इतने जालिम नहीं हो सकते। जो शख्स शादी के 21 साल बाद भी अपनी बीवी की सीरत को समझ ना सके, उससे बड़ा जालिम कौन होगा? तुम्हारे लिए खाना लाते, आकर देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं सर। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को तलाक करूँ ताकि बात खत्म हो पाए किसी तरह। सर बात ऐसे नहीं संभलेगी, आपको बाहर आकर उन सबसे बात करनी होगी सर। 6 लोगों की मौत हुई है सर, लोगों ने बाहर हंगामा मचाया हुआ है, कोई हमारी बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है सर। कहीं ऐसा ना हो सर ये लोग अस्पताल को आग लगा दे। ये सब हुआ कैसे? ऑन ड्यूटी कौन नर्स थी? सर ड्यूटी तो मेहताब की थी, लेकिन इस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं है, वो अपनी जगह इफ्फत को छोड़कर गई है। उसे भी नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ सर। लोग तो कह रहे हैं कि मेहताब के गलत इंजेक्शन की वजह से उनके अजीजों की मौत हुई है। मेहताब को बुलवाया? जी सर, बंदा लेने के लिए गया है सर। चांदनी राते सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें हो चांदनी राते। देखती
मुझे लगता है शकूर भाई ने फिर से कोई हंगामा कर दिया। शकूर, इसका तो फैसला मैं आज करके छोड़ूंगा। नहीं नहीं, तुम बैठो, बैठ के खाना खाओ, मैं देखती हूँ। मैंने कहा ना, मैं देखती हूँ, बैठ जाओ। बीबी हॉस्पिटल में बहुत बड़ा मसला हो चुका है। मसला? आपने जिन जिन छह पेशेंट को इंजेक्शन लगाए थे वो छह के छह मर गए हैं। मर गए? मगर कैसे? यह मैं नहीं मालूम, वो लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं। हमारा पूरा स्टाफ जो है वहाँ पे उनके सामने बेबस है। आप हमारे साथ जल्दी आए। मेहताब बीबी, वो लोग तो पुलिस को इत्तला कर रहे थे। वो तो हम लोगों ने बात करके किसी न किसी तरह उनको टाला है कि पहले आपसे मिल लें, आप हमारे साथ चलें, चलकर देखेंगे वहाँ क्या हुआ है। मगर इसे कैसे हो सकता है? मैं जब वहाँ से निकली थी सब कुछ ठीक था, मरीज आराम से सो रहे थे। मेहताब बीबी, ये बहस का वक्त नहीं है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। अगर उनके लवाकिन पीछा करते करते हमारा यहाँ तक आपके घर तक पहुँच गए तो और ज्यादा मसला बिगड़ जाएगा। वहाँ हॉस्पिटल में एमएस साहब ने मसले को किसी न किसी तरह कंट्रोल किया हुआ है। अगर उनके हाथ से मसला निकल गया मेहताब बीबी तो और ज्यादा बात खराब हो जाएगी। प्लीज अब हमारे साथ चलें। ठीक है, तुम लोग रुको, मैं अभी आई। मेहताब बीबी, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एमएस साहब ने सख्ती से कहा है कि आपको साथ लेकर जल्दी पहुंचें। ठीक है, तुम लोग रुको, मैं अभी आई। जागी, मैं अस्पताल जा रही हूँ, वहां कोई मसला हो गया है, वो लोग मुझे लेने आए हैं। क्या मसला? पता नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि मेरे इंजेक्शन से कुछ लोग मर गए। जो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं बाहर से ताला लगा कर जा रही हूँ। तुम कुछ देर बाद दीवार से कूद कर चले जाना। मैं जा रही, दुआ करना सब ठीक हो। दिस इज अ पुलिस केस। उसे आए हुए अभी 3 माह भी नहीं हुए थे कि आपने उसके हाथ में इतने सीरियस और सेंसिटिव केस वाले कर दिए। ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि कौन सी नर्स को कौन सी ड्यूटी देनी चाहिए। अब तुम बताओ कि बाहर जाके इन लोगों को कौन जवाब देगा। सर, मेहताब एक्सपीरियंस नर्स है, उसने पहले भी काम किया है। ये काम किया उसने? ये काम? तुमको पता है कि मेहताब की वजह से 6 लाशें बाहर पड़ी हुई हैं और लोग मैनेजमेंट से हिसाब मांग रहे हैं। आइए मेहताब। आपने तो देख लिया होगा कि आपने काम क्या किया। अब आप खुद ही बताइए हम क्या करें। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने कुछ किया है कि नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अपनी ड्यूटी पे होने के बावजूद पेशेंट के साथ नेग्लिजेंस कैसे किया। डू यू नो, इट्स अ स्ट्रेट केस ऑफ मिसकंडक्ट। और मेहताब, मैं ये तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम घर क्यों गई थी, मगर मैं ये जरूर पूछूंगा कि तुम बताओ कि तुमने किस किस पेशेंट को कौन से इंजेक्शन दिए हैं कि ये बाहर 6 लाशें पड़ी। सर,
जो इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए गए थे मैंने तो बस वही दिए, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। ये प्रिस्क्राइब किया गया था कि 6 लोगों को मार दो, 6 लोगों की मौत कोई मजाक नहीं होती मेहताब, तुम अपने आप को बड़ी जिम्मा नहीं कर सकती ये कह के कि तुमने प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी थी, क्योंकि 6 लोगों के केस में गलती दवाओं की नहीं दवा देने वाले की होती। तुम बताओ मारिया, तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसी गलती क्यों करूंगी? गलती तो हो चुकी मेहताब, तुमसे हुई हो या किसी और से, तुम जिसे अपनी जगह छोड़कर गई थी उसके कहने के मुताबिक इंजेक्शन तुमने लगाया था, और तुम खुद भी कह रही थी कि इंजेक्शन तुम देकर गई हो, तो इस हिसाब से गलती तो तुम्हारी हुई ना। ऐसा क्यों करोगी? किसी को गलत इंजेक्शन देने से मुझे क्या फायदा होगा सर? ओह फॉर गॉड सेक्स मेहताब, हम भी ये तुमसे पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम जानती हो कि तुम कितने सीरियस और सेंसिटिव केस से डील कर रही थी, फिर भी तुमने नेग्लिजेंस बरती। डू यू नो दिस इज अ पुलिस केस। ऐसा मत कहिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। सर आप यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं। सिक्योरिटी चार से मिलाओ मुझे फौरन। डॉक्टर साहब, पुलिस की कार्रवाई बहुत जरूरी है और आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए, क्योंकि लोग बहुत तैश में, यह ना हो कि अस्पताल और अमले के लिए कोई नुकसान भी बात हो जाए। जी आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे हम सिस्टर मेहताब को कसूरवार ठहराएं। आई होप यू अंडरस्टैंड। I do understand. अभी हम सिर्फ शक के बुनियाद पर इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, आप अपनी रिपोर्ट सुबह अदालत में पेश कर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा गवाह है मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बीबी आप बिल्कुल परेशान ना हो, केस को कंप्लीट करने के लिए हमें आपको ले जाना पड़ रहा है और हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, और आपको अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, इसमें परेशानी या घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी कार्रवाई। थैंक यू सर, चलिए ले चलिए उनको।
चाहे दुनिया खत्म हो जाए, चाहे मैं बद किरदार मशहूर हो जाऊं, पर कयामत के रोज तुम मेरे नाम से उठाए जाओगे जाने। मेरी तुमसे मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। माँ के प्यार को कैसे भूल सकोगे? एक बार मेरे गले लग जाओ। प्लीज तुम मुझे बात करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर। ये मेरा दीवानापन। अरे तुम तो शुक्र करो नफीसुद्दीन, ये सौरभ ने सब कुछ तुम्हारे यहाँ नहीं किया, वरना सौरभ का क्या भरोसा? ये सब तुम्हारे यहाँ कर देती तुम तो खामखा अंदर चले जाते। पापा मैं तो खुद पढ़ के हैरान हो गया हूँ कि मेहताब ने 6 लोगों की जान ले ली। मेहताब तो ऐसी नहीं थी। थी, पहले भी ऐसी ही थी। अपनी नफरत का इजहार उसने कहीं ना कहीं तो करना ही था ना। हम नहीं मिले तो अस्पताल में जाके 6 लोगों को मार दिया उसने। कौन सी बाहर है वो? जेल में पड़ी हुई है और अखबार में लिखा है कि हॉस्पिटल वालों ने केस में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। हाँ तो अच्छा है ना, सड़े जेल में। अरे मैं तो कहती हूँ जिन लोगों को उसने मारा है ना, उनके खानदान वालों के हवाले कर दो इसको, बस उनका जो चीज आएगा सलूक करेंगे इसके साथ, नोच खाएंगे कमीनी को। मेहताब, ये तुमने अपने साथ क्या किया? क्या हुआ अब्बा? कुछ है? नहीं नहीं, आपने अभी मेहताब का नाम लिया, क्या हुआ मेहताब के साथ? वो अस्पताल में 6 लोगों को उसने इंजेक्शन लगाकर मार दिया, वो खबरें सारी आई हुई हैं उसके अखबार में। नहीं मेहताब ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? पुलिस वाले दुश्मन है जो उसके खिलाफ अखबार में बातें लिख रहे हैं। डू ना हर एक पे पार कर लेता है, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। कब मसीहा कातिल बन जाए ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जहांगीर बेटा, मेहताब की वजह से 6 लोग मर गए और हॉस्पिटल वालों ने सारी बात मेहताब पे डाल दी। नहीं नहीं, वो मेहताब ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, गलत है। ये कुछ गलत नहीं है, सही है, ये बिल्कुल सही है। अबू उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो उसने मेरे साथ थी। क्या, कब, कहां? मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल गया था, उसके बाद वो मुझे अपने क्वार्टर ले गए। क्या बेटा, वो तुम कब मिलने गए थे? तुम्हें वहां का एड्रेस कैसे मालूम? तो आपको क्या लगता है मैं इतने दिन कैसे जिंदा था? इस सब में उनका कोई कसूर नहीं है। इस बात का फैसला तुम नहीं, पुलिस करेगी। और खबरदार, जो इस बात का तस्करा भी किसी से किया, बस गुंगे और बहरे बन जाओ। लेकिन वो इस तरह तो सारा इल्जाम उन पे लग जाएगा, हमें मदद करनी चाहिए उनकी। क्यों करनी चाहिए मदद? क्या लगते हो हमारी? देखो बेटा, तुम इस मामले से दूर रहो, अपने बाप की बात मानो और खामोश हो जाओ, वरना पुलिस वालों का क्या भरोसा है? वो समझेंगे तुम भी उसके साथ ही हो, जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी तुम्हें। ओ, लेकिन ये तो जुल्म का ज्यादती होगी। नहीं है ज्यादती, जिंदगी है ये, यही सब होता है। जहांगीर, मैं तुमसे सख्ती से कह रहा हूं कि भूल जाओ उसे, उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक था। असल बात क्या है, या अखबारों में लिखी है या पुलिस जानती है, बस। कुछ केस तो फार्मेसी वालों पर भी तो बनेगा ना। नेग्लिजेंस का केस हो सकता है, 7-8 साल की सजा हो सकती है। आखिर इंजेक्शन तो वहीं से आया था, और मेहताब ने तो सिर्फ इंजेक्शन लगाया था, उस पर इतनी बात नहीं आनी चाहिए। असल गुनाहगार तो वो है जिसने इंसुलिन की तादाद इतनी इंजेक्शन में मिलाई है। वो क्या, तुम ठीक रही हो रहना, लेकिन भाई सोचता है मैं तो पागल हो गई। बंदे को पागल होती देर थोड़ी लगती है, जब बंदा मुर्दा हो सकता है तो किसी वक्त भी पागल हो सकता है। अच्छा खाना बनाओ यार, बहुत भूख लग रही है मुझे।
मेहताब तुम्हारी मुलाकात आई है। जहांगीर मुझे यहां से बाहर निकालो, जहांगीर यहां से निकालो, तो सिर्फ इंजेक्शन लगाए, अब उनमें इंसुलिन थी, मुझे क्या पता। कहते मुझे सजा हो जाएगी, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं तो मुझे सजा क्यों होगी। नहीं, नहीं मैडम, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपके लिए अच्छा सा वकील भी कराऊंगा और आपको यहाँ से बाहर भी निकालूंगा बहुत जल्द। बस तो कुछ भी नहीं, मैं कैसे ये केस वगैरह करूंगी, कोई नहीं है मेरा जो मेरी बेगुनाही की गवाही दे सके। नहीं नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं दूंगा आपकी बेगुनाही की गवाही, सबको बताऊंगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया। मुझे यहां से बाहर निकालो जाके, ये दीवारें, ये सलाखें, इन सब से मुझे बहुत खौफ आता है, मेरा दम घुटता है अंदर। प्लीज तू मुझे बात कर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर। जी जी मैडम, मैं वादा करता हूँ मैं आपको यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकालूंगा, आप परेशान ना हो। लड़के मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, शाबाश जाओ। मैं आऊंगा, मैं कुछ फिर आऊंगा, बहुत जल्द आऊंगा, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको निकालूंगा यहां से। मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। अच्छा होता कि अगर मेहताब मुझसे खुद कहती कि शकूर मेरे 6 कत्लों का इल्जाम तुम अपने सर ले लो और तुम जैसी सजा काट के आओगे मैं तुम्हें जजा के तौर पर अपने आप को दे दूंगी। हिम्मत कैसी मेहताब के बारे में सब कुछ बोलेगी? हमारे कहने या न कहने से किसी के किस्मतों के फैसले नहीं बदले जाते। बहुत देर हो चुकी जहांगीर, मेहताब के नसीब में सजा लिखी जा चुकी है।